गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3 यानी डिटरमाइनर तथा आर्टिकल से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको कैसे हल किया जाता है, उनका क्या मॉडल होता है, इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। एक्सरसाइज 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल्स ओनली वेयर नेसेसरी। करा फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान में भर दीजिए विद सुटेबल आर्टिकल्स, उपयुक्त आर्टिकल यानी ए एंड डी, इन तीनों में जो उपयुक्त है नीचे खाली स्थान में भरिए। ओनली वेयर नेसेसरी, और वह भी भरिए जहां जरूरत हो, तो नहीं जरूरत हो छोड़ दीजिए। डू नॉट मेक नॉइस प्लीज, कृपया शोर मत मचाइए। मेक ए नॉइज होता है, यानी नॉइज के पहले ए अवश्य लगता है, मेक ए नॉइज, तो यहां भर देंगे डू नॉट मेक ए नॉइज प्लीज। नंबर 2, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, अगर वह सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं तो, यानी बृहद अर्थ में अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा का प्रयोग किया है, भाववाचक संज्ञा मतलब जिसको न आप देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न छू सकते हैं, न चख सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, गुण। अब गुण के आगे यह सामान्य अर्थ में आया है, इसलिए इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, यानी नो आर्टिकल। सीधे लिख देंगे उत्तर, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक इन हिमालयस। माउंट एवरेस्ट, जब भी सुपरलेटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले दी अवश्य लगेगा। जब भी कोई सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा तो उसके पहले दी लगेगा। और जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, उनके पहले दी लगता है, तो यहाँ हाईएस्ट के पहले भी दी लगेगा और हिमालयस के पहले भी दी लगेगा, यानी दोनों जगह दी का प्रयोग करेंगे। नंबर 4, आई वांट कप ऑफ कॉफी, मुझे एक कप कॉफी चाहिए। ए, कप की शुरुआत सी से शुरू है और उच्चारण भी क से हो रहा है, कप, इसलिए यहाँ ए डालेंगे। आई वांट ए कप ऑफ टी। देखिए, ए और एन में उच्चारण का मुख्य मामला उच्चारण देखा जाता है, अगर उनका उस शब्द का नाउन का उच्चारण क ख ग घ यानी व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू होते ए लगाइए, और अगर उसका उच्चारण वावेल अ आ ई इत्यादि से शुरू है तो आय न लगाइए, क्योंकि यहां क से शुरू होते ए लगा। मोर दे गेट, जितना अधिक वह प्राप्त करेंगे, दे वांट उतना ही उनकी चाह बढ़ती जाएगी। जब कंपैरेटिव डिग्री में प्रेशर डालना हो, दबाव डालना हो ना, उसके लिए आप दी का प्रयोग करते हैं, दी मोर दे गेट, जितना अधिक वे प्राप्त करेंगे, दी मोर, सॉरी यहां छूट गया है, यहां मोर होना चाहिए, दी मोर दे वांट, दी मोर दे वन, दी मोर दे गेट, दी मोर दे वन, जितना अधिक वो प्राप्त करें उतना अधिक चाहेंगे। 6, वन आई डियर वॉज शॉट बाय हंटर, शिकारी के द्वारा एक आंखों वाला हिरन मारा गया। वन आईड डियर, वन आईड ए वह है तो वह ओ से शुरू, वन ओ से शुरू है, लेकिन उच्चारण इसका वह हो रहा है कक ग वाले लिस्ट में, यानी डब्लू समझिए, अब डब्लू से इसका उच्चारण है, इसलिए ए डालेंगे, ए वन आईड डियर वॉज शॉट बाय द हंटर। नंबर 7, एज ही एम ए आर बी ए, एम का उच्चारण देखिए, जितने भी एब्रीविएशन होते हैं पदों के नाम जो संक्षिप्त रूप में लिखे जाते हैं उनका उच्चारण देखा जाता है, जैसे एस डी ओ एम पी एस पी एम एल एम पी, ये क्या है एम ए, इनका उच्चारण देखा जाता है, एम ए का उच्चारण ए एम
ए से उरू रहे स्वर है यानी एन लगाएंगे इज ही एन एम में, और यह बी से शुरू है तो ए बी एज ही एन एम में आर ए बी ए अथवा बी ए है। नंबर पांच, ही विल नेवर टेल ए लाई, टेल ए लाई होता है, ही विल नेवर टेल ए लाई। नंबर नौ, ही नीड्स आवर, लिखते हैं हावर पढ़ते हैं आवर, आवर का उच्चारण आ से हो रहा है इसलिए एन लगाएंगे, ही नीड्स एन आवर एंड ए हाफ, एंड ए हाफ के पहले ही लगता है एंड ए हाफ टू कंप्लीट हिज वर्क, उसे डेढ़ घंटा चाहिए कार्य को पूरा करने के लिए, ही नीड्स एन आवर एंड ए हाफ टू कंप्लीट हिज वर्क। ही सेट एग्जाम्पल बिफोर अदर, उसने दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, यहाँ आप देख रहे हैं एग्जाम्पल ई से शुरू है और उच्चारण भी ए से हो रहा है, एग्जाम्पल स्वर से हो रहा है इसलिए एन लगेगा, ही सेट एन एग्जाम्पल बिफोर अदर। गंगा इज ए हरी रिवर, जितनी भी बड़ी नदियां हैं गंगा यमुना सरस्वती उन सबके पहले दी जरूर लगता है, दी गंगा इज ए हरी रिवर, दी गंगा इज ए हरी रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है। श्रीलंका इज टू साउथ ऑफ इंडिया, देखिए दिशा के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन अगर दिशा के पहले कोई प्री पोजिशन आ गया हो तो दे लग जाता है, यानी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, इनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर प्री पोजिशन आया तो लगता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं टू आ गया, श्रीलंका इज टू प्री पोजिशन है तो दी लगाएंगे, टू दी साउथ ऑफ इंडिया, श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित है। न्यूटन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, यह प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव नहीं लगता, किसी के नाम के आगे एडजेक्टिव सामान्य अर्थ में, समझ रहे हैं, न्यूटन यहाँ खाली हो जाएगा, सीधे न्यूटन वॉज ए ग्रेट साइंटिस्ट, यहाँ ए डाल देंगे। नंबर चौदह, ही इज इन ए हरी, इन ए हरी वह जल्दबाजी में। पंद्रह, इट वॉज हिस्टोरिकल इवेंट ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, ये बड़े महत्व का ऐतिहासिक घटना थी, हिस्टोरिकल यक्ष से शुरू है, लेकिन ह पर कम जोर डाला जाता है पहले सिलेबल पर, हिस्टोरिकल जब आप कह रहे हैं ना ई पर बहुत जोर डाल रहे हैं तो इसलिए एन हो जाएगा, ही इट वॉज उच्चारण देखा जाता है, इट वॉज एन हिस्टोरिकल इवेंट ग्रेट ऑफ ए ग्रेट इम्पोर्टेंस। नंबर 16, ही इज मैनेजर एंड सिक्रेटरी ऑफ द कॉलेज, देख रहे हैं ही आदमी एक है, समझ रहे हैं, आदमी एक है तो यहाँ पहले जगह पर एक ही व्यक्ति को दो पद दिया गया है, तो यहाँ पहले जगह पर दी लगा देंगे, दूसरे को खाली कर देंगे, यानी दूसरे पर कोई भी आर्टिकल नहीं रहेगा, यह हो जाएगा ही इज द मैनेजर एंड सिक्रेटरी ऑफ द कॉलेज, ही इज मैनेजर दी मैनेजर एंड सेक्रेटरी ऑफ दी कॉलेज, उत्तर नीचे लिखा हुआ है, ठीक वही जो बताया गया नीचे लिखा हुआ है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 4, री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस करेक्टिंग दी एरर्स ऑफ आर्टिकल्स, कह रहे इसमें आर्टिकल की गलतियां हैं उनको शुद्ध करके आप दोबारा वाक्य को लिख दीजिए, री राइट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे के वाक्य को दोबारा लिखिए, करेक्टिंग द एरर्स ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स की गलतियों को दुरुस्त करते हुए। पहला, मून डेड नॉट अपीयर इन द स्काई लास्ट नाइट, पिछली रात चंद्रमा आकाश में नहीं निकला, मून डेड नॉट अपीयर इन द स्काई तो क्या है, मून हुआ सन हुआ अर्थ हुआ स्काई हुआ, उसके पहले दी अवश्य लगता है, दी मून या डाल देंगे, दी मून डेड नॉट अपीयर इन द स्काई, मून के पहले दी लगा देंगे बाकी जैसे है वैसे ही रह जाएगा। दूसरा, कैन यू ड्रा, मैं क्या तुम
नक्शा यानी एक नक्शा बना सकते हो, आगे छूट गया मान लीजिए आप इंडिया, तो ए मैप वहां हो जाएगा, कैन यू ड्रा ए मैप। ऑनेस्टी ऑफ सीता कैन नॉट बी डाउटेड। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के या विशिष्ट चीज की आप के लिए वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन आया है, भाववाचक संज्ञा आया किसी व्यक्ति के लिए, तो वहां दी लगेगा। यहाँ ऑनेस्टी सामान्य अर्थ में नहीं है, केवल सीता के लिए है, तो दी ऑनेस्टी ऑफ सीता कैन नॉट बी डाउटेड, सीता के ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता, दी ऑनेस्टी। चौथा ताज एंड यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड, जितने भी अद्वितीय यानी अपने तरह की विशिष्ट भवन है, आगरा का लाल किला है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, इनके पहले दी लगता है, तो दी ताज यूनिक का उच्चारण यो से हो रहा था, एन नहीं ए, इसमें दो गलती है, एक यहाँ दी लगाएंगे और यहाँ एन हटा के ए लगाएंगे, दी ताज इज ए यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। नंबर पांच आई है ए हेडेक, ये दर्द जितना भी होता है, हेडेक, हैंड एक, स्टमक, लेग एक, हैंड एक, उसके पहले ए लगता है, आई हैव ए हेडेक। नंबर छह ही एन यूरोपियन, यूरोपियन का ई से शुरू है लेकिन उच्चारण यो से हो रहा है, वाई यू यूरोपियन यानी कॉन्सोनेंट से उच्चारण शुरू है, इसलिए एन हटा के ए लगाएंगे, ही ए यूरोपियन। रे शुड हैव, जब एडजेक्टिव के द्वारा मल्टीपुल बनाना हो, बहुसंख्या बनाना हो, तो उसके पहले दी लगा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद नाउन नहीं रहता। देर शुड हैव दी पुअर, अमीर लोगों को यानी अमीर व्यक्तियों को गरीब व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए, दी रिच शुड हैव दी पुअर। आठवा नितिन इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी का उच्चारण यो से हो रहा है, यूनिवर्सिटी, और यह कंसोनेंट में आता है, व्यंजन में आता है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी, नितिन इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। नंबर नौ सर राइजेस इन ईस्ट, एक तो दी सन यहां लगाएंगे, सन मून स्काई अर्थ, इसके पहले दी लगता है, दी सन राइजेस, और यहां देख रहे हैं पी को ये सन लगा हुआ है, इसलिए ईस्ट के पहले भी दी हो जाएगा, दी सन राइजेस इन द ईस्ट, जब दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन आया हो तो आर्टिकल दी लगता है, अन्यथा नहीं लगता। दिस इज ए, दिस इज एंड यूजफुल, यूजफुल का उच्चारण यो से हो रहा है ना, तो इसलिए एंड नहीं ए होगा, इसलिए कि यो कंसोनेंट वाले में आता है, व्यंजन से आता है, तो दिस इज ए यूजफुल बुक। ग्यारह मोर यू रीड मोर यू नो, जब आप प्रेशर डालेंगे कंपेरेटिव डिग्री के लिए, दबाव डालेंगे, तो आपको दी लगाना पड़ेगा, दी मोर यू रीड, जितना अधिक आप पढ़ोगे, दी मोर यू रीड दी मोर यू नो। बारह ही विल टेक ए आवर नहीं एन आवर, ही विल टेक एन आवर टू फिनिश हिज वर्क, एन आवर, आवर को लिखते हैं यक्ष से लेकिन पढ़ते हैं आवर, और आ आता है स्वर में, इसलिए एन आवर, ही विल टेक एन आवर टू फिनिश हिज वर्क। नंबर तेरह हिज फादर इज ए एम पी नहीं एन एम पी, एम का उच्चारण ए से हो रहा है, एम पी, हिज फादर इज एन एम पी। नंबर चौदह द गोल्ड इज ए प्रीशियस मैटर, मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, सामान्य अर्थ में, सामान्य अर्थ में मटेरियल नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, दी हटा देंगे, सीधे लिखेंगे गोल्ड इज ए प्रीशियस मैटर, सोना कीमती धातु होता है। नंबर पंद्रह फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स, जब किसी देश के आगे दी लगाएंगे तो वहां के लोग हो जाएंगे, और नहीं लगाएंगे तो भाषा हो जाएगी, यह कहना यह चाहता है कि फ्रांसीसियों ने जर्मनी वालों को हरा दिया, तो दोनों जगह आपको दी लगाना पड़ेगा, दी फ्रेंच डिफीटेड दी जर्मन, तब जाकर के यह सही होगा, दी फ्रेंच डिफीटेड दी जर्मन्स, यानी फ्रांसीसियों ने जर्मनी वालों को हरा दिया। नंबर 16 मुंबई इज मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, जब
प्रापर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह से करेंगे, उस वर्ग के लिए करेंगे तो दी लगाएंगे। जैसे कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कालिदास इज दी शेक्सपियर ऑफ इंडिया, वैसे मुंबई इज दी मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, अब उसका आंसर वही जो बताया गया नीचे आपको लिख दिया गया है। इस तरह से देख रहे हैं कि यह दो मॉडल के प्रश्न हो सकते हैं, एक आर्टिकल भरने के लिए और दूसरा आर्टिकल की गलतियों को दुरुस्त करके दोबारा वाक्य को लिखने के लिए। थैंक यू।